नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है और मैं एडवोकेट भुवनेश्वरी देवी हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है कि जब लीगल नोटिस आता है तो उसका क्या करें। ये बहुत बार देखा जाता है कि जब लीगल नोटिस मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग तो रिसीव ही नहीं करते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, पोस्टमैन को बोल देते हैं कि नहीं लेना, या फिर जो भी कुरियर सर्विस होती है उसको उससे मना कर देते हैं। ये गलत है। अगर जब आपको लीगल नोटिस आ रही है तो आपको उसको रिसीव कर लेना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि आपको पता तो चलेगा कि हो क्या रहा है आपके साथ में, किसने आपके ऊपर में केस किया है और केस करने वाले हैं और क्या रीजंस हैं। और जरूरी नहीं है कि लीगल नोटिस के बाद में सेकंड केस ही हो सकता होता है। अगर लीगल नोटिस मिला है आपको, आपने उसको पढ़ा है और आपको लगता है कि नहीं ये बात को हम इस चीज को, ये जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बातों से या जो भी उसका ये है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आप करके मामला को वहीं पर रफा दफा भी कर सकते हैं। अब लीगल नोटिस मिल गई है, अब इसके बाद में क्या करें। अधिकतर लोग होते हैं लीगल नोटिस ले लेते हैं और उसका कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, कुछ कुछ केसेस में तो मैं बोलूंगी कि साइलेंस कभी कभी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कुछ बताओ ही मत अपना डिफेंस की तरफ। आपको पता है आगे जाके तो ये केस होने वाला है, तो अभी से मैं अपना डिफेंस क्यों खोलूँ। तो उस टाइप के केसेस मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है अगर रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि कोई लीगल मैंडेट नहीं होता है रिप्लाई करने का। दूसरा चीज, अगर आप रिप्लाई कर देते तो उससे क्या होता है। देखिए, अगर ऐसा मैटर है जिसको आपको लगता है कि इस चीज को मैं क्लियर आउट कर दूं तो शायद तो लगता है कि मामला सुलझ जाएगा, बातचीत से खत्म हो जाएगी, तो आपको उसको जरूर रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये जो भी रिप्लाई होगा, लीगल नोटिस का रिप्लाई एक लॉयर ही देता है, आप अपनी तरफ से उसका रिप्लाई नहीं दे सकते हो। तो अगर आपको लीगल नोटिस मिलती है और आप उसको रिप्लाई करना चाहते हो तो एक लॉयर से संपर्क करिएगा और उसका रिप्लाई दीजिएगा। जो भी रिप्लाई आप देंगे बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। और ये दिमाग में रख के आपको करना चाहिए कि अगर आगे जाके केस होता है तो ये रिप्लाई आपको कितनी हेल्पफुल हेल्प करने वाली है। तो इस चीज के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि लीगल नोटिस अगर मिलती है तो उसकी रिप्लाई जरूर करनी चाहिए, चाहे वो एक सेंटेंस की रिप्लाई क्यों ना हो। हाँ, डिनाई ऑल द एलिगेशन अगेंस्ट मी, पर वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा वाला वीडियो पसंद आया होगा जो टिप्स वाले होते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये चैनल तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।